सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बारे में, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा आने वाली 7 दिसंबर को पड़ेगी। पूर्णिमा का दिन जो है चंद्रदेव का होता है, यानी कि चंद्रमा का दिन होता है ये, और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप से आकार में होता है। शुक्र पक्ष की आखिरी तिथि को यानी कि 15 तिथि को जो है पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और पूर्णिमा का जो दिन है इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है, यानी कि किसी पवित्र नदी में, जलाशय में या किसी कुंड में जो है व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। उसके बाद जो है दान दक्षिणा आदि का जो महत्व भी कहा गया है। स्नान और दान का बड़ा महत्व इस दिन है। जो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 7 तारीख को सुबह 8:02 पर हो रहा है और इसकी समाप्ति 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे तक रहेगी। तो व्रत की जो पूर्णिमा रहेगी, व्रत की पूर्णिमा जो है 7 तारीख को होगी, इसी दिन व्रत होगा। और स्नान और दान की पूर्णिमा का महत्व तो जो 8 तारीख को होगा, क्योंकि 8 तारीख को जो है पूर्णिमा तिथि 9:38 तक रहेगी। तो इसलिए स्नान और दान का इसी दिन रहेगा और व्रत वाली पूर्णिमा जो है 7 तारीख की रात को रहेगी। ये दिन चंद्रमा का होता है, इस दिन चंद्रमा जो है अपने पूर्ण आकार में होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जो है शाम के समय चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद ही जो है चंद्रमा के मंत्रों का जाप आदि करना चाहिए, चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। और ये दिन माता लक्ष्मी जी का भी प्रिय दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान कहा गया है। और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो है मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना जो है भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और इनका ये सबसे प्रिय महीना भी है। तो इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का भी विशेष महत्व कहा गया है और कहते हैं कि ये पूर्णिमा मोक्षदायिनी है, तो इसका व्रत करने से जो है व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि ये चंद्रमा का दिन है, तो इस दिन जो है यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा पापी ग्रह से परेशान है यानी पीड़ित है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि कमज़ोर है तो इस दिन ये दिन बहुत अच्छा है चंद्रमा को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, क्योंकि चंद्र ग्रह को जो है मन का भी कारक कहा गया है। और यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है तो उस व्यक्ति का मन जो है परेशान रहेगा, किसी कार्य में नहीं लगेगा, तो इसलिए और उसका मन परेशान होगा तो किसी कार्य को कर नहीं पाएगा। तो इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा है। इस दिन जो है आप खीर बनाकर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या दूध का दान कर सकते हैं, चावल का भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। तो चंद्रमा को क्योंकि चंद्रमा की वस्तु है जो है दूध, दही, चांदी, चावल, ये सब चंद्रमा की वस्तु है, इस दिन आप इसको दान कर सकते हैं। और शाम के समय जो है जल में थोड़ा दूध मिलाकर और उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाकर भी आप अर्घ्य देने चाहिए चंद्रमा की तरफ, मंत्र पढ़ते हुए ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्र नाम का जाप करें, सत्यनारायण की कथा सुनें, विष्णु चालीसा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की आरती पढ़ें, चंद्रमा जी के मंत्रों का जाप करें। तो ये भी सभी कार्य करने से जो है आपके एक तो चंद्रमा स्ट्रांग होगा यानी चंद्रमा मजबूत होगा, साथ ही आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूर्ण होगी। और क्योंकि इसे मोक्षदायिनी कहा गया है तो मोक्ष की प्राप्ति जो व्यक्ति चाहते हैं तो इस दिन व्रत करके, और इस दिन जो है व्यक्ति को अपना मन साफ रखना है, शुद्ध रखना है, यानी कि झूठ कपट आदि से दूर रहना है, किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन नहीं करना है। तो ये था पूर्णिमा के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।